आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता हो। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आरती अपने ब्लॉग पर आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। और आज का ब्लॉगिंग का शुरुआत करते हैं। अब जिंदगी का संघर्ष क्या एक ऐसी संघर्ष होती है जो ना केवल मेरे लाइफ या आपके लाइफ में होती है, ये सभी के लाइफ में होती है। पता है, यह एक ऐसा सीढ़ी होता है जिसमें एक एक कदम पर ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो हम औरतों के लिए, हम औरतें ऐसी चीज़ ही होती है जिसको हर एक जगह पर अपना दर्पण दिखाया जाता है। तुम क्या हो, क्यों हो, किस प्रकार से हो, और रूप, रूप का कहना ही क्या, हर एक जगह पर रूप चेंज होती रहती है। कभी माँ का रूप, कभी बहन का रूप, कभी पत्नी का रूप, कभी बेटी का रूप, कभी पुत्रवधु का रूप, तो कभी स्टूडेंट्स का रूप। न जाने कितने सारे रूप लेके एक औरत एक राह पे चलती रहती है और उसको इतना सारा चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इतना सारी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो क्या ही कहना। तो आजमाती भी है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्ते पे चलना जानते हो। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में न जाने कितने सारे संघर्ष है, न जाने कितने सारे एग्जाम है जिसको पास करना हमारे लिए एक संघर्ष के बराबर होता है, स्ट्रगल के बराबर होता है। आप मानिए या ना मानिए, हम हर एक रोज़ जीते हैं। और क्यों जीते हैं ये अपने आप से कभी प्रश्न करके देखिएगा कि हम लोग रोज़ क्यों जीते हैं, किस वजह से जीते हैं। औरतों का रूप इतनी सारी होती है ना कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती है। मान चाहे नहीं मान, माने चाहे नहीं माने, ये बात तो सत्य है। कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू, कभी पत्नी, इतने रूपों में औरतों एक औरत अपनी लाइफ को दिखाती है। पता नहीं हम लोगों के पीछे कितने सारे संघर्ष छिपा हुआ है और अभी और कितना छिपेगा। अभी तो शुरुआत है, इसके बाद तो फिर आगे और भी रूप होगा। जैसे कि एक कल्पना करने की अवस्था में हम बोल रहे हैं, कभी दादी, कभी नानी, कभी फुआ, कभी कुछ का कल्पना करके हम ये बता सकते हैं कि ये सब भी रूप आगे चल के हमको देखने को मिलेगा। पर अभी तक का जो सफ़र है काफ़ी मुश्किल भरा हुआ था और काफ़ी कुछ चीज़ जानने को मिला है इन सफ़र में। और बहुत जगह में तो इस तरह स्थिति आया है कि ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ा है। और बात यहाँ तक भी है जो कि हम बताना तो नहीं चाहते हैं, बट बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ों को नहीं चाहते हैं बट हमारे साथ हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कुछ करना, लेकिन हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ रहता है, हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ होता है, तो वो हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देख के ही आगे चलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ चीज़ों को हम ले कर चल रहे हैं तो किस चीज़ों को छोड़ दें। मेरे साथ में भी इसी तरह हुआ है, हम सारी चीज़ों को ले कर चले हैं। हम हर रूप में अपने आप से कामयाबी के रास्ते की ओर चल रहे हैं और सभी चीज़ों को हम साथ में लेके चलते हैं। और हम सभी को ये करना चाहिए, सभी को सभी रिश्तों के बेखूबी से निभाना चाहिए और ताकि सभी लोग यहाँ आपको याद करें। सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम मॉर्निंग का नाश्ता बना रहे हैं। छोना बाबू अभी स्कूल जाएगा, उसके लिए हम टिफ़िन बना रहे हैं, तो वो स्कूल जाएगा अभी। तो अभी हम दो रोटी एक्स्ट्रा बना लिए हैं, एक गाय को देने के लिए, एक डॉगी को देने के लिए। और अभी क्या कर रहे हैं कि छोना बाबू का एक पराठा बना दिए हैं, वो तो रोटी खाने से रहा, मतलब पराठा भी खाने से रहा, लेकिन टिफ़िन में दे देते हैं। बात यह है ना, उसका तबीयत कल से अच्छा नहीं लग रहा है और उसको स्कूल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, तो हमको लगा कि दे देते हैं। क्या है ना कि मतलब कम से कम कुछ भी तो खा ले। इसमें एक ओरियो बिस्किट का पैकेट और एक रोटी और थोड़ा सा सेव, नमकीन जो होता है, नमकीन वाला सेव,
वो डाल के दे देंगे, तो वो खाए चाहे मतलब कुछ भी खा ले तो इतना तो संतुष्टि हो ही जाएगा कि कुछ खाया है। जाएगा 8 बजे, आएगा 10 बजे, तो कुछ भी तो खा ले। आलू भी कुछ डाल दिए हैं, जैसे कि वो उसका मन करे तो आलू भी खा ले। कल रात को भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि उसका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, फीवर था, इस वजह से दवा चल रहा है, बट पता नहीं दवा क्यों नहीं काम कर रहा है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम वही इस टिफिन देके और इसको भेज दिए हैं, बुआ भेज दिए हैं, और अब से हम कर रहे हैं ब्लॉग का शुरुआत। और सारा किचन उसी तरह फैला हुआ है, देख सकते हैं अभी भेजे इस वजह से। तो चलिए रोटी, जो रोटी आधा अधूरा बनाए थे उसको पूरा बना लेते हैं, फिर कंटिन्यू रहता है ब्लॉग। तो क्या होता है ना, हर बार मैं जितना जल्दी हो सके बच्चे को भेज के, और फिर से हम लग जाते हैं यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। सब्ज़ी भी अच्छा से नहीं हुआ था, सॉरी भुजिया हल्का सा, मतलब आलू और थोड़ा पकेगा, तो यहाँ पे हम पकने के लिए चढ़ा दिए हैं। और अब हम यहाँ पे रोटी जो छोड़ के गए थे आटा, उसको भी बना लेंगे झटपट, क्योंकि नाश्ता का टाइम हो ही गया है, 8 बज गया है। मतलब सोना बाबू स्कूल चल गया है और थोड़ा सा मतलब टाइम हुआ है, 8:30 बज रहा है। दरअसल कल रात को हमारे यहाँ भोज था, तो इनके पापा गए हुए थे खाने के लिए, हम लोग नहीं गए थे। तो गए थे तो हम लोग वही मूढ़ी वगैरह खा लेते हैं जो सब घर में होता होगा। कभी कभार खाना नहीं मतलब बनाने का मन करता है तो वही होता है, बनाते भी। लेकिन छोना बाबू का तबीयत ठीक नहीं था, वो तो सोया ही था, रह गया, खाया भी नहीं। और हम लोग मतलब शाम को 6 बजे के करीबन समोसा मंगाए थे, मूढ़ी सान के हम लोग खाए होंगे 6 बजे, तो इसलिए हम लोगों को मतलब भूख भी अच्छा से नहीं लगा था। तो नॉर्मल सा एक गिलास दूध लेके पी लिए और हल्का सा मूढ़ी लिए हम अपने लिए खाने के लिए। बुआ भी नहीं खाया, हम खाए और बुआ को एक गिलास दूध दे दिए, उस वो पी लिया, और फिर इनके पापा खाने चल गए और छोना बाबू तो उठा ही नहीं। तो इस वजह से हम रोटी नहीं बनाए, नहीं तो बाबू रहता तो हम ज़रूर बना देते। इसीलिए आज सबको भूख लग गया है, जल्दी से ही इनके पापा भी आ गए हैं खाने के लिए, तो इनको भी दे देंगे। और यहाँ हम भुजिया देख रहे थे हुआ है कि नहीं, बट लग रहा है हुआ है, नहीं हुआ है इस तरह से, लेकिन दे देंगे। पराठा और रोटी सबके लिए बना देंगे, दे देंगे। रोटी भी बना रहे हैं, पराठा भी बना रहे हैं, जिसको जो खाना हो खा लेंगे। और यहाँ मेरा घी भी ख़त्म हो गया था, तो जो हम घी बनाए थे उसी से निकाले थोड़ा सा। इस बार घी भी ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब मेरा ही थोड़ा सा फेंटने में जो है ना नहीं सके उसको निकालने के लिए, इस वजह से खोरी यानी कि उसका जो छांस कुछ बोला जाता है नहीं पता, ब्लैक ब्राउन कलर का जो होता है, ब्राउन नहीं मैरून कलर का, वो कुछ ज़्यादा निकल गया और घी का मात्रा बहुत कम निकला। तो ऐसा एक दो बार मेरे साथ हुआ है, जल्दीबाजी करने के चक्कर में ही होता है ये सब। तो घी नहीं निकला था तो कोई नहीं, और घी का यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम ये छोटा को मतलब टिफिन में रखते हैं। क्या होता है ना, इसको गर्म आसानी से हो जाता है और इसमें कुछ घुस भी जाता है, और बड़ा सब में हम घी निकाल के रखते हैं। तो अभी यहाँ पे फिर से हमको लगा कि आलू नहीं हुआ है, इस वजह से सब्जी डाल दिए, और फिर हम डालेंगे इसमें, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ना तो ये हो जाएगा। इसके बाद फिर हम चटनी भी बनाए थे धनिया पत्ता का, और सब्जी निकाल के रखे थे, लेकिन वो सब ना हम पूरा तैयारी नहीं किए थे, जैसे कि हम सिर्फ चटनी पीस के रखे हुए हैं, उसमें नींबू हो गया और नमक हो गया नहीं डाले थे। वो सब करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा ही, तो लेकिन लेट होने की वजह से हम इसी तरह दे दिए खाने के लिए, वो सब भी नहीं दिए, इससे वो सब हम लोग का खाना में चल जाएगा। तो अभी हम लोग इसी तरह खा लिए। सहजन का सब्जी भी काटना था लेकिन नहीं काटे हैं, तो आज क्या करना है ना, आज हमको जाना है सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके खाना वगैरह बन जाए और हम जाएं, क्योंकि शाम होते होते ना बहुत ज़्यादा कैफ़े में भीड़ हो जाती है, तो वहाँ जाके बहुत देर बैठना पड़ता है, और बच्चा वगैरह छोड़ के जाके उतना देर बैठना सही नहीं लगता है। तो हम सोचे ना इस बार दोपहर में ही चलते हैं, जैसे 12-1 बजे का टाइम में चलते हैं, जाएंगे तो फिर आराम से काम भी कर लेंगे और जल्दी से रिटर्न भी चलाएंगे, तो ज़्यादा देर तो लगेगा नहीं ऐसे जाएंगे तो। लेकिन क्या हुआ ना कि नहीं जा पाए,
लेकिन जाने के लिए ही हम जल्दी जल्दी सारा काम सब कर रहे थे कि चलो जल्दी जल्दी कर लो और निकल जाओ, लेकिन बाद में नहीं जा पाए। इसीलिए गए कब, 4:30 बजे के लगभग में गए होंगे, और भीड़ तो था लेकिन हो गया काम, ज़्यादा लेट भी नहीं लगा। तो मतलब थोड़ा सा मेरा ही मन का होता है बढ़ावा, जो छोड़ दो भी नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब शरीर जो है ना बोलता है कि ना मत जाओ, थोड़ा सा अपने लिए टाइम दो, इस वजह से। नहीं तो हम 10 से 11 बजते जाते कैफ़े में, आराम से अपना करते और फिर चल भी आते। उस समय बिल्कुल भी खाली रहता है। एक बार हम नेट का एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल किए थे उसी समय गए थे, और आप बिलीव नहीं करोगे बिल्कुल भी खाली था। इकल्ले गए और तुरंत काम भी हो गया और रिटर्न भी वापस भी आ गया। और अभी यदि हम जाते हैं तो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन यही हम यदि शाम को जाएंगे तो शायद थोड़ा सा लेट होगा, फिर भी देखते हैं। और गए तो वही हुआ कि दो कस्टमर आगे से बैठे थे, उनका दो फॉर्म फिल करना था कोई चीज़ का, इसके बाद फिर मेरा हुआ। तो थोड़ी सा लेट, थोड़ा देर तो हुआ बैठा, तो फिर भी बोरिंग टाइप का लग रहा था, लेकिन बहुत दिन के बाद मतलब मार्केट गए थे तो अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी दिन हो गया था जाया हुआ। और इस वजह से आने के बाद हम कुछ का भी सूट नहीं किए, क्योंकि हमको मन भी नहीं था और बैटरी भी लो हो गया था। आने के बाद हम तुरंत मोबाइल चार्ज में दिए, चार्ज हो गया था बट सूट नहीं किए, क्या होता। और आज हम शायद बहुत कम ही ब्लॉगिंग का सूट किए हैं। कब किए हैं, जब हम लोग मतलब खाना वगैरह भी बनाया उसका भी सूट नहीं कर पाए हैं ना कुछ भी, मतलब कभी कभार मन ही नहीं करता है ना, क्या होता है पता नहीं। और अभी हम इधर खाना सबको खिला दिए हैं, मतलब नाश्ता, और खाना बनाए, मतलब थोड़ी देर में ही खाना बनाने लग गए थे, लेकिन खाना बनाते थोड़ा सा लेट हो गया था। इसके बाद हम चाहते तो जा सकते थे, लेकिन हमको लगा नहीं थोड़ा सा रेस्ट करो, शरीर को रेस्ट देना ज़रूरी है। तो रेस्ट करने लगे तो उसी में मन मेरा ये हो गया, चेंज हो गया, तो मन हट गया जाने के लिए, और हम सोचे शाम को चलेंगे। लेकिन आज फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि फॉर्म फिल करवा ही लेना है, नहीं तो क्या होता है ना, रजिस्ट्रेशन यदि आपका लेट से होता है ना, अदर जगह उठा के फेंक देता है, जैसे कि अदर मतलब जहाँ आप जा नहीं सकते हो उस जगह में देगा वही सेंटर, लेकिन अदर अदर जगह दे देगा। अगला बार हम जल्दी से कराए थे तो हमको कहलगांव दिया था, तो बिहार में ही, और यहाँ से नज़दीक पड़ता है बिहार, तो बिहार में ही दे दिया था। और अभी फिर से मतलब करवाएंगे जल्दी से ही, तो जल्दी इधर का ही मतलब लोकल में ही देगा, नहीं तो फिर कहीं उठा के फेंक देगा। फेंक देने का मतलब यह है कि इधर जिधर मन तिधर दे देगा एग्ज़ाम सेंटर। इस वजह से ऐसा जगह दे कि जहाँ हम जा पाएँ, ऐसा जगह नहीं दे कि हम जहाँ जा ही नहीं पाएँ। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेंटर इस तरह जगह में दे देता है ना कि जाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से कर ले रजिस्ट्रेशन, कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाए तो इतना तो यही रहता है कि अब मतलब हो गया है। लेकिन अपने से यदि हम मोबाइल में करते हैं ना तो पेमेंट कटवा नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन कोई भी साधन नहीं है कटवाने का, और सब जैसे कि हस्बैंड जी वगैरह को बोलना पड़ता है मेरे, मतलब हम अपना मोबाइल में कोई भी ये सब चीज़ नहीं रखें, जैसे गूगल पे हो गया, ATM हो गया, या फिर कुछ भी फ़ोनपे UPI वगैरह कुछ भी नहीं रखे हैं। नहीं रखने का कारण ये है कि मेरे मोबाइल में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, इधर मन इधर चल जाते हैं, इस वजह से नहीं रखते हैं कि पर्स से इधर से उधर जाके और कुछ मतलब पेमेंट वेमेंट ना कटा ले। और एक दो बार हमसे हुआ है कि सिम लॉक वगैरह प्रोसेस चला था इस वजह से, और हम नहीं रखते हैं, और हमको उतना आइडिया भी नहीं है ये सब के बारे में। तो जब भी ज़रूरत होता है कैश से ही होता है, तो हम चाहते हैं कि चल जाए कैश से ही करके और आ जाए। तो वही हम सोच रहे थे कि आज चल ही जाएं और जाके हम करवा ही लें, चाहे जो हो जाए, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़े तो कर लेते हैं। इसीलिए हम जल्दी जल्दी सारा काम को किए थे बट नहीं जा पाए, और फिर डिसाइड हुआ कि शाम को चलते हैं। तो अभी हम खाना वगैरह खा लिए हैं और आके थोड़ी देर हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हम सारा काम करके और फिर जल्दी से बोलेंगे कुछ करेंगे तो लगता है 10 मिनट बैठ ही जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, और 10 मिनट बैठने के कारण अच्छा आधा घंटा 1 घंटा मेरा चल जाता है।
इसके बाद फिर खाना का टाइम होता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना फिर खाना खा वगैरह वगैरह। इसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा ना कि जब आप खाना पीना खा लोगे इसके बाद बोलोगे जाएंगे तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद लगेगा 10-15 मिनट बैठ ही जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा शरीर में, फिर चलते हैं। वही होता है मेरे साथ, बैठने के चक्कर में हम कुछ निकाल के बैठ जाते हैं या फिर मोबाइल में ही कुछ ऐसा वीडियो देखने लगते हैं जो बहुत क्लोज हो मेरा, इस वजह से हम नहीं जा पाते हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ गए थे स्टडी करने के लिए, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि इतना मतलब क्लोज हो गए थे कि उसको हमको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लग रहा था इसको कंप्लीट करेंगे फिर चलेंगे। आखिरकार हम इसको कंप्लीट किए फिर यहाँ से उठे हम जाने के लिए। तो ऐसा कभी कभी मेरे साथ होता है, कहीं भी जाना हो अर्जेंटली लेकिन मेरा काम जो होता है उसको फ्री करके ही हम जाते हैं। तो क्या ही बोलेंगे, आज हम सीटेट का फॉर्म फिल कर लिए। आप लोग नहीं किए हो तो जल्दी जाकर कीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों को ना रजिस्ट्रेशन जो होता है वो हो जाएगा, तो आपको सेंटर नज़दीक ही मिलेगा, नहीं तो फिर आपको दूर दे देगा जहाँ आप नहीं चाहते हो उस जगह आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। और सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसको नहीं छोड़ सकते, उसको देना ही होता है, क्योंकि सीटेट नहीं तो बीएड नहीं। मेरा मानना है सीटेट नहीं तो बीएड का वैल्यू भी नहीं है, बीएड करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मेरा लक शायद साथ नहीं दिया थोड़ा सा के लिए, नहीं तो शायद हो भी सकता था। लक नहीं बोल सकते उसको, मेहनत बोल सकते हैं। मेरा मेहनत में ही शायद कहीं कमी रही होगी कि मेरा सीटेट नहीं निकला, इतना मेहनत फिर से हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम सीटेट का फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन क्या है ना अभी से हम तैयारी नहीं शुरू करेंगे। जब से सीटेट का तैयारी शुरू करेंगे आप लोगों से ज़रूर हम बात करेंगे, मतलब ज़रूर ही बताएंगे, शेयर करेंगे। अभी तो पहले एस्टेट हो जाए, बिहार में जो भरे हैं वो एस्टेट कब होगा पता नहीं, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और बात ये है ना कि BPSC 3.0 का पेपर लीक हुआ है, तब से मतलब माहौल पूरा गर्मा हुआ है, उससे तो और लगता है कि नहीं होगा। जहाँ अप्रैल में नहीं हुआ तो ये मान लिया जाएगा ना कि होगा ही नहीं एग्ज़ाम, क्योंकि फिर इलेक्शन वगैरह हो जाएगा। फर्स्ट वीक सेकंड वीक में यदि नहीं होता है एस्टेट का एग्ज़ाम तो फिर हम ये मान लेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद हम सीटेट का तैयारी में लग जाएंगे, एस्टेट बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसे भी क्या होता है ना, डिमोटिवेट हो रहा है, पढ़ने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है। और नहीं करने का वजह यह है कि एग्ज़ाम समय पर नहीं होता है, जब समय दिया जाता है उस समय नहीं होता है ना, तो एकदम डिमोटिवेट मन हो जाता है। बहुत चाव से पढ़ाई होता है, मतलब हम करते हैं बहुत चाव से, जब से फॉर्म फिल करते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम डेट देखते हैं उस बीच का जो मेरा जो भी तैयारी होता है ना वो पूरा अच्छा से होता है। लेकिन एग्ज़ाम सही से नहीं होता है ना तो मन डिमोटिवेट हो जाता है। ये मेरे साथ होता है ना, सबके साथ होता है ये नहीं पता हमको, लेकिन मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है ज़रूर। हम JPSC का एग्ज़ाम इसीलिए नहीं भरे क्योंकि CGL का पेपर लीक हुआ था, JPSC का 100% होगा और वो हुआ, JPSC का पेपर लीक हुआ। और अभी BPSC का पेपर लीक हुआ है तो एस्टेट के ऊपर कहीं प्रभाव ना पड़े, इस वजह से मेरा मन डिमोटिवेट हो रहा है, कहीं एस्टेट का एग्ज़ाम सही से ले लिया जाए, उसमें कुछ भी मतलब ये सब नहीं हो। नेक्स्ट बार क्या हुआ था कि सीटेट का भी पेपर लीक हुआ था लेकिन आयोग नहीं माना, आयोग उसको करार नहीं किया, वो कहीं कहीं का दिखा दिया कि कहीं कहीं पेपर लीक हुआ है, लेकिन रियल माने तो पेपर लीक हुआ था। और अभी फिर से होगा तो हम नहीं चाहते हैं नेक्स्ट बार जो हुआ पेपर लीक ये बार भी हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है, पेपर लीक हुआ होगा, कोई कोई किया होगा, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल मेहनत करके जाते हैं, पूरा पूरा मेहनत करते हैं। और वो हमारी मेहनत में ही कहीं ना कहीं कमी रहती है जो हम लोग सीटेट नहीं निकाल पाते हैं, तो वो कमी को हम लोगों को पकड़नी होगी। और जो हम लोग गलती करते हैं उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं होगा, अपने आप पे ये विश्वास रखना होगा कि हम लोग कर सकते हैं और हम कर सकते हैं। इतना हम क्या सभी लोग ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, जो ये भावना लेके मन में चलते हैं उसका सीटेट क्या हर एक एग्ज़ाम क्रैक होता है, और जो पहले से डिमोटिवेट होते हैं उनका कभी नहीं होता है। ये मेरे साथ होता है, जैसे कि हम हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं एग्ज़ाम समय पे नहीं होता है तो एक डर टाइप का लगता है। और सीटेट में अगला बार तो बहुत ही डर लग रहा था हमको, पता नहीं जैसे एडमिट करा जाता है ना तो फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती है डर की, तो पता नहीं क्यों डर रहे थे हम। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, फर्स्ट बार था शायद इसीलिए ऐसा हो रहा था, और इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और
हम चाहते हैं कि सब चीज़ अच्छा से हो जाए, एग्ज़ाम वगैरह सब चीज़ अच्छा से दे दें और फाइनली आज हम सीटेट का फॉर्म फिल कर लिए। आप लोग नहीं किए हैं तो जाके कीजिए और जल्दी जल्दी जाके कीजिए, लेट बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप लोगों को कैसी लगी ब्लॉग? अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेट हो सके। हमें ये गलती है, हमको ये सुधारना है, इस चीज़ का ज़रूरत है हमको। और यदि आप लोगों को कुछ भी पूछना हो या कुछ भी करना हो, कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, आप लोग बिल्कुल भी बेझिझक से सवाल कर सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। और आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, इसके लिए थैंक यू। और आप लोग इसी तरह हमें कुछ कुछ चीज़ें के बारे में बताते रहिए जिससे हमको नॉलेज हो और हम वो सब चीज़ सुधारें। न्यू न्यू ब्लॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा कठिन कार्य है लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी सरल कर लें। धीरे धीरे करके हम जो भी होता है हम अपना आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।